Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में अलीफ से लेकर नून तक के हर्फ को हमने लिखा और पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज हमें इससे आगे के हर्फ को पढ़ना है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाव से वर्द, यहाँ पर ये कौन सा हर्फ है? वाव। वाव से वर्द, वाव से वर्द का माना है गुलाब का फूल, जिसे हम इंग्लिश में रोज कहते हैं। वाव के बाद कौन सा हर्फ आता है? हा, दो चश्म। हा, हा से हातिफ, हातिफ का माना है टेलीफोन, जिसे हम इंग्लिश में टेलीफोन कहते हैं। हा के बाद हमजा, हमजा से अनफ, अनफ का माना है नाक, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहेंगे। हमजा के बाद कौन सा हर्फ आता है? या, तो हर्फ या, या से यद, और यद का माना है हाथ, जिसे हम इंग्लिश में हैंड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर वाव से लेकर या तक के हर्फ को हमने यहाँ पर पढ़ा और समझा। प्यारे बच्चों, अब हमें हमारी बॉक्स वाली नोटबुक में हमें क्या करना है? एक बॉक्स छोड़कर हमें लिखना है। क्या करना है? बॉक्स वाली नोटबुक में हमें एक बॉक्स छोड़कर हमें हर्फ को लिखना है और पढ़ना है। तो हम सबसे पहले वाव से वर्द, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वाव से वर्द, और वर्द का माना है गुलाब का फूल, जिसे हम इंग्लिश में रोज कहते हैं। वाव के बाद एक बॉक्स छोड़कर हम लिखेंगे हा से हातिफ, हातिफ का माना है टेलीफोन, जिसे हम इंग्लिश में टेलीफोन ही कहेंगे। हा के बाजू में एक बॉक्स छोड़कर हम हमजा से अनफ, हमजा से अनफ का माना है नाक, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहते हैं। हमजा के बाद एक बॉक्स छोड़कर हम लिखेंगे या से यद, या से यद का माना है हाथ, जिसे हम इंग्लिश में हैंड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इसी तरह पूरा पेज भरकर हमें क्या करना है? लिखना है। तो इसी तरह नीचे वाली लाइन में भी हम इसी तरह एक बॉक्स छोड़कर हम लिखेंगे वाव से वर्द, वर्द का माना है गुलाब का फूल, जिसे हम इंग्लिश में रोज कहते हैं। वाव के बाजू में एक बॉक्स छोड़कर हमें लिखना है हा से हातिफ, हातिफ का माना है टेलीफोन, जिसे हम इंग्लिश में टेलीफोन ही कहेंगे। हा के बाद एक बॉक्स छोड़कर हमें लिखना है हमजा से अनफ, अनफ का माना है नाक, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहते हैं। इसी तरह हमजा के बाद एक बॉक्स छोड़कर हमें लिखना है या से यद, या से यद का माना है हाथ, जिसे हम इंग्लिश में हैंड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें पूरा पेज भरकर क्या करना है? लिखना है। तो हम इसी तरह एक बॉक्स छोड़कर लिखेंगे और पढ़ेंगे। वाव से वर्द, वर्द का माना है गुलाब का फूल, जिसे हम रोज कहेंगे। हा से हातिफ, हातिफ का माना है टेलीफोन। हा के बाद हमजा, हमजा से अनफ, अनफ का माना है नाक, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहेंगे। हमजा के बाद या, या से यद, यद का माना है हाथ, जिसे हम इंग्लिश में हैंड कहेंगे। इसी तरह हमें पूरा पेज भर कर लिखना है। इसी तरह लिखेंगे वाव से वर्द, वाव के बाद कौन सा हर्फ आएगा? हा से हातिफ, हातिफ का माना है टेलीफोन। इसी तरह वाव, वाव से वर्द, वाव के बाद कौन सा हर्फ आएगा? हा से हातिफ, हातिफ का माना है टेलीफोन। इसी तरह हा के बाद हमजा, हमजा से अनफ, अनफ का माना है नाक, जिसे हम इंग्लिश में नोज, नोज कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज। इसी तरह हमजा के बाद या, या से यद, यद का माना है हाथ, जिसे हम इंग्लिश में हैंड कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इसी तरह हमारा पूरा पेज भरकर हमें क्या लिखना है? वाव से लेकर या तक के चार हर्फ को हमें लिखना है और पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आज हमने, ये है हमारा आज का सबक। आज हमने वाव से वर्द, हा से हातिफ, हमजा से अनफ, और या से यद,
ये चार हर्फ को हमने यहाँ पर सीखा, पढ़ा और हर्फ को समझा। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी नोटबुक में पूरा पेज भरकर हमें होमवर्क करना है। क्या करना है? पूरा पेज भरकर हमें होमवर्क करना है। इंशाल्लाह हमें आगे के सबक में हमें क्या करना है, हमने पहले अलीफ से लेकर या तक के चार चार और पांच पांच हर्फ लिखे और पढ़े। अब आगे के सबक में इंशाल्लाह हम तरतीब के साथ अलीफ से लेकर या तक पूरा हर्फ, अलीफ से लेकर या तक के पूरे हर्फ को हम लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।